गाइस इज आशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एपिसोड है नो मेकअप मेकअप लुक चैलेंज। तो मैं आज नो मेकअप मेकअप लुक का चैलेंज करने जा रही हूँ। तो ये नो मेकअप मेकअप लुक वो होता है जिसमें फेस सिर्फ ग्लोई और हेल्दी लगता है, मेकअप बिल्कुल नहीं। मेकअप होता है बट लगता नहीं कि हमने मेकअप अप्लाई किया हुआ है। तो फेस में एक अच्छे से ग्लो के साथ और सिर्फ एक लिपस्टिक के साथ इस लुक को नो मेकअप मेकअप लुक कहते हैं। तो यही है नो मेकअप मेकअप लुक जो मैं करने जा रही हूँ। मेकअप होते हैं बट इतने दिखते नहीं है, हमने मेकअप किया है। तो सो गाइज यही है वो मेकअप मेकअप लुक। सो बिफोर गोइंग टू माय वीडियो, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप न्यू आए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और उसके नीचे एक बेल बटन होगा उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूँ उससे आप नोटिफाई रहे। उसके बाद आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर दीजिए और आप शेयर भी कर सकते हो। ये मेकअप लुक बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने क्रिएट किया है और ये एज अ डेली मेकअप लुक है। डेली डे टाइम मेकअप लुक, नाइट टाइम मेकअप लुक, एज अ डेली मेकअप लुक है। चलिए मैं बताती हूँ लुक कैसे। सो गाइस सबसे पहले फेस को प्राइम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल और उसको ऑल ओवर माय फेस अप्लाई करूँगी एज अ प्राइमर। और उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ वीवो वी फाउंडेशन और ये 03 है इसका शेड नंबर। और इसको मैं ऑल ओवर माय फेस ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फाउंडेशन को मैं अप्लाई कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी और मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी ताकि ये फेस में फाउंडेशन बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सटल लगे, ऐसे नहीं ना लगे कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए फेस को सिर्फ एक लेवल देने के लिए, एक बेस देने के लिए मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको ऑल ओवर मैं फेस एंड नेक में अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ ADS का कंसीलर पैलेट और उसमें से कंसीलिंग करूँगी और मेरे नोज़ में, फॉरहेड में, सब जगह एक हाईलाइट देने के लिए मैं इस कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ही लाइट अप्लाई करूँगी सारे जगह पे कंसीलर ताकि ये, बिकॉज ये नो मेकअप मेकअप लुक है, इसके लिए सब कुछ लाइटेन रखना है और मीडियम रखना है। तो इसको अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी, अच्छे से फॉरहेड नोज सब जगह ब्लेंड करने के बाद मैं आईलिड्स पे भी सेम कंसीलर को अप्लाई करूँगी और अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ LA18 कॉम्पैक्ट पाउडर एंड उससे मेरे ऑल ओवर माय फेस अच्छे से, जहाँ पे कंसील की हूँ वहाँ पे फेस को अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद आईब्रो पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो के लिए ADS का आईब्रो पाउडर जिसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। ब्लैक कलर से मैं अच्छे से इसको आईब्रो अच्छे से मैं इसको ग्रूम कर दूँगी, अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। एंड आईब्रोज़ के बाद कॉन्टोरिंग आता है। कॉन्टोरिंग के लिए सेम ADS पैलेट से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैं सिर्फ मेरे चीक्स और नोज में ही मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लगे इसके लिए। तो सिर्फ नोज़ में कॉन्टोर करने के बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी मेरे चीक्स और मेरे नोज़ में ताकि एक नॉर्मल बेस मेकअप लुक लगे। एंड उसके बाद मैं सेम कंसीलर को ले कॉन्टोर को लेकर मैं मेरे आईलिड में अप्लाई करूँगी और आईलिड में अप्लाई सिर्फ कॉन्टोर कर रही हूँ सेम ब्राउन कलर को लेकर, सिर्फ आईलिड में अच्छे से एक बेस दे रही हूँ बस और कुछ नहीं। और उसके बाद उसी बेस को जो हमने कॉन्टोरिंग किया है आईलिड में, सेम बेस को ही मैं पैक कर दूँगी कॉम्पैक्ट से और जो जहाँ पर भी हमने कॉन्टोरिंग किया है वहाँ पर भी सेम LA18 कॉम्पैक्ट से मैं पैक कर दूँगी। उसके बाद मैं आईलैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे ब्लू एवेन का मस्कारा और अच्छे से मैं इसको मेरे आईलैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये नो मेकअप मेकअप लुक है इसके लिए मैं सिर्फ आईलैशेस मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, काजल बिल्कुल नहीं अप्लाई कर रही, ना ही आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, तो सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लश स्किप की हूँ ताकि ये बहुत ही नेचुरल लगे। तो मैं आईलाइटर के लिए सेम ADS का क्रीम आईलाइटर ले रही हूँ और उसको मैं मेरे आई पॉइंट ऑफ चीक, मेरे नोज़, मेरे फोरहेड, मेरे क्यूपिड बोन सब जगह मैं इसको अप्लाई करूँगी। और मैं ब्लश इसलिए स्किप की हूँ क्योंकि नेचुरल लगे, आप चाहे तो आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर दूँगी मेरे ब्रॉ बोन सब जगह पे। और उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ 7 Even का पीच कलर लिपस्टिक।
तो गाइज यही था मेरा फाइनल लुक नो मेकअप मेकअप चैलेंज। तो यही है वो नो मेकअप मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है। सिर्फ इस फेस में मैंने फेस में सिर्फ हाइलाइटर कॉन्टोरिंग किया हुआ है, बट बहुत ही सटल दिया है। और एज अ कॉन्टोरिंग जो की हूँ उसको ही मैं एज अ आई शेडो लगाई हूँ ताकि बहुत ही सटल ना लगे इसके लिए। और लिपस्टिक हमारा चॉइस है, हमें जो कलर चाहिए हम उस कलर के साथ प्ले कर सकते हैं लिपस्टिक के लिए। तो मुझे लगा कि सब कुछ सटल हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैं लिपस्टिक को थोड़ा ब्राइटन अप की हूँ। आप चाहे तो लिपस्टिक को आप न्यूड कलर्स के साथ भी आप मैच कर सकते हो, मुझे ब्राइटन कलर अच्छा लगा तो इसके लिए मैं उसके साथ मैच की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो बाय गाइस, टेक